अमेरिका में आपस में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं और वहाँ पर रोड रेज की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। उसका कारण है वहाँ पर गन कल्चर। वहाँ पर सभी के पास गन है और एक आदमी को नहीं पता कि अगर मेरे पास पिस्टल है तो सामने वाले आदमी के पास क्या होगा, इसीलिए लोग चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन अमेरिका एक असुरक्षित जगह भी बनती जा रही है अपने गन कल्चर की वजह से, क्योंकि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित जगह इस वजह से बन रही है क्योंकि वहाँ पर कोई भी सनकी आदमी बहुत ही लाइट तरह की मशीन गन लाता है, ऑटोमेटिक मशीन गन लाता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और 20-30 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब टेक्सास में एक मॉल में ऐसा ही वाक्या हुआ है जब 21 साल के एक श्वेत बंदूकधारी ने वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी और लगभग 20 लोगों की मौत हो गई और ऐसे में जना जाने ही कितने ही लोग घायल हो गए। और उस वक्त मॉल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इस बंदूकधारी ने जो वक्त चुना वो था शाम का, जिस वक्त शॉपिंग मॉल्स में अपने आप ही भीड़ बढ़ जाती है। आखिर क्या भरोसा लोगों को अमेरिका में अपनी ज़िंदगी का, इससे ज़्यादा सुरक्षित तो भारत ही है जहाँ पर कम से कम इस तरह से कोई ऑटोमेटिक गन हर किसी के पास नहीं हो सकती, बल्कि हो ही नहीं सकती। अगर किसी के पास मिलेगी तो पुलिस उसको या NIA उसको दबोच लेगी, लेकिन अमेरिका में कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं। पुलिस आपकी चेकिंग करेगी, आपकी गाड़ी में रखी है और आपके पास अपना वोटर ID कहा जाएगी, आप 25 साल से 20 साल से ज़्यादा उम्र है आपकी, तो ठीक है, आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा कि भैया ठीक है आप रखिए गन, जिसको चाहिए उसको मारिए। ये बड़ा ही बुरा गन कल्चर इस वक्त साबित हो रहा है। 20वीं सदी में ऐसा नहीं होता था अमेरिका में, गन कल्चर तब भी ओपन था लेकिन लोग इस तरह से बिना बात के गोलियाँ कोई नहीं चलाता था। लेकिन अब ऐसे कई वाक्य हो चुके हैं जब अंधाधुंध गोलियां चलाई गई है और इनमें अधिकतर 20 से 25 साल की उम्र के बीच के ही युवा निकले जो ज़्यादातर गेम खेलते थे और शायद उनको ऐसा लगा कि अब वो रियल लाइफ में भी वीडियो गेम खेलने लायक हो गए हैं और वो जाकर निहत्तों पर गोली चलाने लगे। और इस तरह की घटनाएं अमेरिका को रोकने के लिए कदम उठाना ही चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि टूरिस्ट भी अमेरिका में जाने से हिचकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।